हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रिलियंट माइंड्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, बोथ पार्ट्स आर अलाइक। मैं क्वेश्चन सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट आप अपने आप करोगे। फर्स्ट सेकेंड पार्ट में है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल द लाइन्स Having slope 0। आपको उन लाइन्स की इक्वेशन निकालनी जिनकी स्लोप आपको गिवन है 0, एंड और वो लाइन्स हैं क्या टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व की वो टेंजेंट है। इट मीन्स आप क्या करोगे, कर्व गिवन है, कर्व की स्लोप भी गिवन है, तो अब अपनी तरफ से कर्व पे टेंजेंट की स्लोप्स गिवन है आपको, तो अब अपनी तरफ से क्या निकालोगे, कर्व की स्लोप यहां से निकालोगे dy/dx। पॉइंट्स हमें यहां नहीं गिवन, तो पॉइंट्स कहां से आएंगे, यहां से आप डेरिवेटिव ले लो dy/dx, 0 के इक्वल रखोगे, बिकॉज ये भी dy/dx भी हमारी स्लोप है और 0 भी स्लोप है सेम लाइंस की, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी उस पॉइंट, तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है लाइन की। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमें इक्वेशन गिवन है कर्व की, y इज इक्वल्स टू दिस, इसको हम कैसे ले जा सकते हैं, लिख सकते हैं न्यूमिरेटर में ले जाकर इसकी पावर -1 हो चुकी है। अब हमें इक्वेशंस ऑफ लाइंस क्या गिवन है, उनकी स्लोप m इज स्लोप 0 गिवन है, यहां से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे dy/dx। x की पावर n वाला फॉर्म लगा दीजिए, nxn-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस मीन्स 2x-2। अब जब इसका डेरिवेटिव को हमें कितनी गिवन है स्लोप 0, तो मीन्स इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से हमारे पास पॉइंट्स क्या जाएंगे, 2x-1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो हमें जिस पॉइंट पर टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसमें x कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है 1। अब ये वाली वैल्यू हम गिवन कर्व में पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू। तो यहां पर हमने जब पुट किया इसको सिंप्लीफाई किया, दैट इज 1/2, तो हमारे पास x1 y1 की वैल्यू आ चुकी है 1 and 1/2 और स्लोप है 0। तो हम यहां से इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y-y1 इज इक्वल्स टू m(x-x1)। x1 y1 हमें ये गिवन थे, ये हमने यहां पर वैल्यूज पुट कर दी है, 0 into something इज 0, तो यहां से हमारे पास y-1/2 0, दैट इज यू कैन से y इज इक्वल्स टू 1/2। सिंपल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड पार्ट। दोनों पार्ट एक जैसे हैं तो हम कर रहे हैं अभी सेकेंड पार्ट, फर्स्ट आप खुद करोगे। आपको निकालना है फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, पॉइंट्स बताने आपको एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन नहीं बतानी, सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं, मीन्स टेंजेंट्स की स्लोप क्या आएगी, 0, बिकॉज एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, 0। तो हम यहां से अपना dy/dx निकालेंगे, 0 के इक्वेट करिए, वहां से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। सो लेट अस डू, कर्व ये गिवन है, इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह के हमने 7th चैप्टर में किए हैं डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2x प्लस y स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx आएगा, एंड माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 इज इक्वल्स टू 0। सब में से 2 आपने कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, dy/dx प्लस x-1 इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन से dy/dx इज इक्वल्स टू 1-x। 2 उधर जाके डिवाइड हो चुका है और ये उधर जा चुका है, बट वी हैव टू फाइंड ओनली dy/dx, दैट इज 1-x/y। ये हमारी तरफ से स्लोप आई है, बट हमें लाइन क्या गिवन है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हमने नॉट में भी किया था प्रीवियस वीडियो में, जितने भी लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं उनकी स्लोप क्या होती है, 0। मीन्स इक्वेटिंग बोथ द थिंग्स व्हाट वी विल डू, dy/dx शुड बी इक्वल्स टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज 1-x/y शुड बी इक्वल्स टू 0, और यू कैन से 1-x इज इक्वल्स टू 0। वाई इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बन जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 आ चुकी है, बट हमें तो y की भी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 गिवन कर्व में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, बट यू विल गेट
एक्स स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो. और यू कैन से वाई स्क्वायर दिस इज माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर. y square is equals to 4, this implies y is equals to plus minus 2. तो आपके पास क्या आ चुके हैं, required points. उसने हमसे points ही पूछे थे, so we will say required points are x की value 1, y is 2 and 1 minus 2. clear. next हम करते हैं question number 5. both parts are simple. एट वट पॉइंट, अगेन हमें पॉइंट बताना है. ऑन द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देखो ये बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह का हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है. मीन्स यहां से आप स्लोप निकालोगे, जीरो के इक्वल रख दो, वहां से पॉइंट आ जाएगा. तो अब हम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस. और जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होते हैं तो क्या होता है, डी एक्स बाय डी वाई इज जीरो. क्लियर. सो आपको क्या कर्व गिवन है और क्या गिवन है, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो डी एक्स बाय डी वाई जीरो होता है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो डी एक्स बाय डी वाई जीरो. अभी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, हम डायरेक्ट डी एक्स बाय डी वाई भी निकाल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं. चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स बाय डी वाई. क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई. हम डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल के कर सकते हैं और डी एक्स बाई डी वाई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आंसर दोनों से सेम आने वाला है, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में कर लीजिए चाहे वाई के रिस्पेक्ट में. तो प्लस दिस इज सिंपली टू वाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, डी एक्स बाई डी वाई, और वाई का सिंपली वन आएगा और यहाँ पर जीरो. फिर हम क्या करते हैं, दोनों से टू कॉमन ले लेते हैं और डी एक्स बाई डी वाई वो भी कॉमन ले लेते हैं. इट विल बी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहां से वाई एंड माइनस टू, दिस इज इक्वल्स टू जीरो. और यू कैन सॉरी दिस इज डी एक्स बाई डी वाई. अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड में चला जाएगा, दिस इज टू माइनस वाई. और वट वी कैन से डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है. और बट हमें तो क्या गिवन है, डी एक्स अपॉन डी वाई शुड बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि स्लोप आर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो कंबाइनिंग ए एंड बी कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड बी, यू विल राइट 2 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो. और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा. इट मीन्स 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो. और यू कैन से वाई इज इक्वल्स टू टू. तो वाई की वैल्यू 2 आ चुकी है. हम इसको कहाँ गिवन कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे, सो पुट इन 1. तो हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर इंटू टू प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. और एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स माइनस एट प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स फोर प्लस वन फाइव, दिस इज माइनस थ्री. क्लियर स्टूडेंट्स. और हमें पता है इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, थ्री वन द थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट्स हमारे आने वाले हैं माइनस वन एंड थ्री. हैंस रिक्वायर, हमसे पूछा क्या उसने, रिक्वायर्ड पॉइंट्स. हैंस पॉइंट्स आर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर एक्स इज माइनस वन वाई इज टू एंड एक्स इज थ्री वाई इज टू. क्लियर. If you have any doubt, you can ask in comment section. Yes friends, next question 6 बहुत easy and interesting और important question भी है. Find the points on the curve y is equals to x cube at which, हमें वो points बताने हैं जिन points पर इस curve पे slope of tangent is equal to, slope किसकी equal होगी tangent की, equal to y coordinate of the point. अब y coordinate क्या है,
मीन सिंपली वाई, वाई दैट इज एक्स क्यूब. तो इट मीन्स हम अपनी स्लोप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स और उसको किसके इक्वल रखेंगे, वाई के. सो लेट अस डू. तो हमें कर्व गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और गिवन क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालती है, डीवाई बाई डी एक्स मीन्स थ्री एक्स स्क्वेयर. बट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल गिवन है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. मीन्स y कोऑर्डिनेट हमारे पास सिंपली अगर हम y कहें, ठीक है, तो हमें निकालने हैं वो. तो बट y की वैल्यू क्या है, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए. दिस इज थ्री एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू और y की वैल्यू एक्स क्यूब. और वट यू कैन से, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो. बच्चे कभी भी ऐसे कट नहीं करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में लाके कॉमन लेंगे. तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इट इज एक्स माइनस थ्री. अब यहाँ से आपके पास पॉइंट्स क्या आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज जीरो, आइदर एक्स इज जीरो और दिस इज जीरो. तो यहाँ से आपके पास है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल्स टू थ्री. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास वाई की वैल्यूज क्या आने वाली है, यहाँ पर पुट कर दीजिए. एक्स क्यूब मीन्स जीरो रखा, तो जीरो क्यूब मीन्स जीरो, तो एक पॉइंट आपके पास क्या. एंड दिस इज when x is equals to 0 and y will be 3 cube. ये कब कर रहे हैं हम, when x is equals to 3. 3 cube क्या होता है, 27. हमसे उसने क्या पूछे थे, points. hence required points are, x की value 0, then y is also 0 and another point is x is 3, y is 27. These are required points. Now we will do question number 7. Find the point on the curve. Curve given है at which tangent has equation. अब हमें क्या given है, ये curve की equation given है और ये tangent की equation given है और हमें point बताना है कि ये किस point पर tangent है. तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से dy by dx निकालेंगे तो slope of tangent आ जाएगी और यहाँ से equation, line की equation से भी हम slope निकाल सकते हैं. हमारे पास various methods हैं, या तो यहाँ से आप dy by dx निकालो सीधा 1 आ जाएगा, ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरी फॉर्म है, यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में क्या होता है, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ वाई. सो फ्रेंड्स हमें इक्वेशन पॉइंट बताना है. देखो सपोज ये हमारे पास कर्व वी वन है जो ये है, ठीक है, तो हमें बताना है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इस लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है और इस कर्व की इक्वेशन भी दे रखी है. अब आप यहां से क्या निकाल सकते हो, इसका जो डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे वो कहेगी स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो यहां से मैंने निकाला डीवाई बाई डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 11. या तो आप यहां से भी डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो, इस इक्वेशन की स्लोप आ जाएगी, या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अगर मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है तो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, मीन्स माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा इसमें. तो अगर या तो आप डायरेक्ट dy by dx निकालो, इस लाइन की टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी 1, या आप कैसे भी कर सकते हो, इसको लिखा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 11. कई क्वेश्चन में ऐसे इजी जाता है और कई क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा इजी हो जाएगा. तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है. अब यहां से निकालने मुझे स्लोप मान लो, तो हम कैसे निकालेंगे स्लोप, अगर मैं इसको m कहूं तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 1 हो गया अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई दैट इज ऑल्सो 1. तो दोनों मेथड से आपके पास 1 आ रहा है. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा ज्यादा सही लगता है. अब देखो ये भी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है एंड दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो बोथ मस्ट बी इक्वल, क्योंकि दोनों एक ही लाइन की स्लोप बता रही हैं. सो 11 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1 और यू कैन से एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 प्लस 1 मीन्स थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और वी कैन ऑल्सो से x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है. तो अब हमें देखना है y की वैल्यूज, तो यहां पर पुट कर दीजिए when x इज इक्वल्स टू 2, तो y कितना आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5. सो दिस इज 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस 22 प्लस 5, 13 माइनस 12 7 8 9, सो दिस इज माइनस 9. एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो y कितना आ जाएगा, माइनस 2 क्यूब अगेन 8 माइनस माइनस प्लस 11 टू द 22 एंड प्लस 5
माइनस 8 एंड प्लस 27 दिस इज 19। तो आपको क्या पूछे उसने पॉइंट्स, सिंपल लाइन लिख दीजिए, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2, -9 एंड -2, 19। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 8 है। 8 क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व की क्वेश्चन गिवन है, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो मान लो ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट ये कर्व जा रही है मान लो, चलो इतनी ही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि किस पॉइंट पे, हमें बताना है वो पॉइंट्स बताने हैं, वो टू पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारा क्या इक्वेशन बनने वाली है। तो मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से किसके इक्वल गिवन है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो टेंजेंट किसके पैरेलल है, इस लाइन के, इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ दिस लाइन। और जब हमें टू पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप किस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, किसी को भी आप x1 मान लो, किसी को भी x2 मान लो। तो अगर मैं इसको x1 y1 कहूँ, इसको x2 y2, तो फॉर्मूला दिस विल बी 1 - 0 अपॉन 4 - 3 दैट इज 1। और यहां से इस कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है दिस, तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी वो भी निकाल लेते हैं। दिस इज x रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, इनटू x का डेरिवेटिव 1 आ चुका है, बट बोथ स्लोप मस्ट बी सेम बिकॉज वो एक ही लाइन की स्लोप है। दिस इंप्लाइज 2 × x - 3 इज इक्वल्स टू 1। और यहां से हमारे पास क्या जाएगा, x - 3 इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज इक्वल्स टू 3.5 इज 7/2। एक्स की वैल्यू 7/2, तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2 - 3 मीन्स हाफ, और हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो हमसे तो उसने पॉइंट ही पूछा था, हैंस एक ही पॉइंट है यहां पर, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 7/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 1/4। क्लियर? हाँ जी फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दो पार्ट्स है, दोनों एक ही तरह के, बस एक में पैरेलल और एक में परपेंडिकुलर। फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, इस कर्व पे पॉइंट बताने हैं एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। देखो बच्चे, जो इस लाइन की स्लोप होगी वही टेंजेंट की होगी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी किए हैं, ये 7th क्वेश्चन भी किया है, ऐसे ही 9th है। तो आप यहां पर क्या करने वाले हो, इसका स्लोप निकाल लीजिए, डिवाइड बाय dx, यहां से भी और यहां से भी दोनों को इक्वल दो, पॉइंट्स आ जाएंगे। अब यहां पर क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, इस कर्व के पॉइंट्स बताने हैं वेयर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। मींस टेंजेंट की स्लोप अब क्या आएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो हम यहां पर इसकी स्लोप निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसको इसके डिवाइड बाय dx के इक्वल रख देंगे, तो वहां से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम इक्वेशन कर लेते हैं, तो हमें इक्वेशन गिवन है, देखो इस लाइन की स्लोप इसके परपेंडिकुलर होगी ना टेंजेंट की, तो इसकी स्लोप कितना है, हमने फॉर्मूला किया था माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज 1 अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। तो हमारे पास -1/2 इसकी स्लोप आ चुकी है, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिवाइड बाय dx निकालेंगे। तो इसकी डिवाइड बाय dx निकाल लेते हैं, इट विल बी 4 to the 8x प्लस 9 to the 18 y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 1। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx, तो कैसे निकालेंगे ये, हम इसको इधर ले जाते हैं, 18y dy/dx इज इक्वल, अच्छा सॉरी, 1 का डेरिवेटिव तो बच्चे यहां 0 आ जाएगा ना, सो दिस इज -8x। तो यहां से आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4 - -4x / 9y। ये तो हमारे पास से आई है, स्लोप ऑफ लाइन ये आई है m, मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, क्योंकि टेंजेंट क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 / -1/2, सो दिस इज सिंपली 2। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ चुका है, -4x / 9y इज इक्वल्स टू 2।
ये हमारे पास इसकी स्लोप आ चुकी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस फोर यहाँ पर कट कर दीजिए, सो दिस इज माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू 9y, और यहाँ से हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 इंटू वाई। अच्छा बच्चों एक बात देखो, मान लो ये हमारे पास कर्व है, कर्व के टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब हमारे पास ये x और y ये कौन से हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट ले जा रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी तो लाई करेगा ना, तो इस पॉइंट को हम गिवन कर्व में पुट कर देंगे, पुट इन वन, तो वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्या है ये 4x स्क्वायर मीन्स 4 इंटू माइनस 9/2y प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81/4 एंड 9y स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 81 प्लस 9 इज 90y स्क्वायर, और यू कैन से y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/90 और y इज इक्वल्स टू 1/√90, और अंडर रूट 90 कितना आ जाएगा बस 3√10। अच्छा यहाँ पर आप प्लस माइनस साइन भी लगा सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस साइन आ जाता है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चाहिए इसलिए हमने अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, सो दिस इज प्लस माइनस √10/30। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ चुके हैं, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, बच्चे सबको अच्छे समझ आ रहा है ना, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन कमेंट एंड शेयर टू अदर्स सो दैट अदर्स कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द वीडियो। What is the coordinate of x? x, x? Yes, हमें find out करना है अभी x. यहाँ पर रख लीजिए माइनस 9/2 इंटू प्लस माइनस लोगे, एक बार प्लस लोगे तो 10/√10/30, तो ये आपका आने वाला है 3 3 the 3 10 the, तो माइनस 3/20√10, और जब पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तो x हो जाएगा 3/20√10, वो प्लस का आ जाएगा, मींस पॉजिटिव रख रहे हो तो नेगेटिव, तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे माइनस 3/√10/20, और उसके साथ y की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एंड अदर पॉइंट विल बी 3√10/20 एंड माइनस √10/30। तो बाकी पार्ट्स, बाकी क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो इसके साथ ही इसको फिनिश कर चुके हैं हम क्वेश्चन 9 तक। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, और बच्चे अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारे चैनल पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं, सो आप उनको भी देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, डाउट है तो आप साथ के साथ पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।